सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको मनोकामना पूर्ति का एक बहुत ही खास एक प्रमाणित प्रयोग दे रहा हूं। एक दिन इस प्रयोग को आप करिए। इसमें कोई आपको पूजा पाठ तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं करना है, बस एक दिन का एक छोटा सा प्रयोग है। आपकी किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी समस्या है, यदि आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपकी कोई पर्टिकुलर कोई विश है, कोई मनोकामना है, सपोज आप ड्रीम जॉब चाहते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस वगैरह व्यापार है उसमें सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप चाहते हैं, ढेर सारा पैसा चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है उसके लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है उससे मुक्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक बार में एक मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस जरूरत पड़ेगी आपको चार चौरस्तों की। आपको एक मतलब कि कोई चार ऐसे चौराहे आपको देखने हैं। किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। और चार चौरस्ते मतलब कि जो चौराहे होते हैं, तो एक चौराहा, दो चौराहा, तीसरा चौराहा, चौथा चौराहा। तो आपको आप चाहें तो एक ही दिन में कर लें, और आप चाहें तो जब भी आपको समय मिले तब कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, चौरस्ते जो होते हैं, तो किसी भी दिन जाकर के एक चौरस्ते से आपको चारों रस्ते से कोई भी एक एक पत्थर उठा करके लाना है, या कुछ भी मतलब चौरस्ते से चार रस्ते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चारों दिशाओं के चार रस्तों से कुछ भी चीज वहां पर डाला हो, कोई लकड़ी हो, कोई कंकड़ हो, कोई मिट्टी का टुकड़ा हो, ये एक चौरस्ते से उठा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको दूसरे चौरस्ते से भी यही करना है, चार कंकड़ आपको उठाने हैं, फिर तीसरे चौरस्ते से आपको चार कंकड़ उठाने हैं, और फिर चौथे चौरस्ते से आप चाहे तो एक एक दिन करके भी ला सकते हैं, और आप चाहे तो एक दिन में भी ला सकते हैं। प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं। सबसे पहले इनको ला करके आपको अपने घर के बाहर, मतलब कि आप इनको चीजों को लेकर के आएंगे, जैसे आपने एक चौरस्ते से लेकर के आए तो घर से बाहर कहीं सुरक्षित आप इसको रख दें। फिर दूसरे दिन जाए तो दूसरे चौरस्ते से लाएं। एक ही चौरस्ते से आपको हर बार नहीं लाना है, आपको अलग अलग चार चौरस्ते का ही आपको मतलब कि चूज करना है, और वहां से आपको चार कंकड़ आपको लेकर के आने हैं, ठीक है। और इनको घर के अंदर नहीं लाना है, आपको आपके घर के बाहर कहीं सुरक्षित इनको रख देना है। किसी भी तरीके से रख सकते हैं, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आप कहीं भी सुरक्षित रख दें। अगर एक ही दिन में ले आते हैं तो बेस्ट है, एक दिन में नहीं ला पा रहे हैं तो चार दिन में ला सकते हैं, पांच दिन में ला सकते हैं। जब चार जगह के इकट्ठे हो जाए तब आपको प्रयोग करना है ना। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या फिर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, या फिर जिनका बर्थ चार्ट कन्फर्म नहीं है, तो आप करेंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी दिन इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चार चौरस्तों के चार चार पत्थर आपको लेकर के आने हैं, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, इन चार कंकड़ों को चार चार आपके मतलब कि इनको डिवाइड करके 16 हो जाएंगे। इनको आपको घर के बाहर कहीं भी बाहर आपको सुरक्षित रख देना है, घर के अंदर नहीं लाना है। अब जिस भी दिन आप चाहें तो सुबह नहा धोकर के, जैसे कि आपने बाहर इसको लाके रख दिया, अब जिस दिन प्रयोग करेंगे तो उस दिन आपको क्या करना है, नहा धोकर के स्वच्छ हो जाना है। सुबह में इस प्रयोग को करेंगे, किसी भी दिन कर सकते हैं। अपने पूजा स्थान में एक घी का दिया जला दें, अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी, अपने पितरों का ध्यान कर लें, महादेव गणेश भगवान का, नवग्रहों का ध्यान कर लें, जिस घर में आप रहते हैं वास्तु पुरुष वास्तुपीठ भगवान का ध्यान कर लें, उनसे आज्ञा लेने, आशीर्वाद देने, और जब प्रयोग कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस समय अपने इंटेंशन आपको क्लियर रखने की कि आप किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। जो भी आपकी परेशानी है तो आपको मन में इंटेंशन रखना है कि मेरे को इस परेशानी से 100% छुटकारा चाहिए, इसलिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं। यदि जॉब चाहिए आपको तो जॉब के लिए प्रयोग कर रहे हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए, दरिद्रता से मुक्ति के लिए, दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए, या जो भी आपके काम है, आपकी परेशानी, आपकी मनोकामना जो भी है, उसको एक बार में एक मनोकामना की पूर्ति के लिए या एक परेशानी से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को करेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो पत्थर आपने लाए हुए थे इनको सीधे हाथ में रख करके आपको कहीं ऐसी जगह चले जाना है जहां पर किसी की रोक टोक ना हो, कोई आपको देखे ना। 2 मिनट का ये प्रयोग रहेगा। आप अपने घर की छत में भी कर सकते हैं या किसी गार्डन वगैरह में चले जाएं या किसी सुनसान स्थान में चले जाएं, और वहां पर जाकर के आपको खड़े हो जाना है पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, 4 पत्थर उठाएंगे और अपने पीछे तरफ आपको फेंक देना है, वो मनोकामना या परेशानी सोचते हुए 4 पत्थरों को पीछे फेंक देंगे। फिर 4 पत्थर उठाने हैं, अपनी मनोकामना या परेशानी सोचते हुए सामने फेंक देंगे। फिर 4 उठाएंगे, अपने उल्टे साइड में फेंक देंगे। फिर 4 उठाएंगे, अपने राइट साइड में फेंक देंगे। बस ये करने के बाद में अब आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना है, 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि आपको कितना गजब का रिजल्ट मिलता है। जिस भी परेशानी से मुक्ति के लिए आपने प्रयोग किया है उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, या फिर जिस भी मनोकामना की पूर्ति के आपने इस प्रयोग को किया है आपको कहीं ना कहीं से वो चीज मिलना शुरू हो जाएंगी कि आपकी वो मनोकामना पूरी होकर ही रहेगी। एक बार में एक परेशानी से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को करेंगे, फिर बाद में जब आपकी एक मनोकामना या एक आपकी मनोकामना परेशानी दूर हो जाती है तो दूसरी मनोकामना या दूसरी परेशानी से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको सावधानी ये रखनी है कि जिस दिन प्रयोग करेंगे नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर पहन के इस प्रयोग को नहीं करेंगे। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, और महिलाएं अशुद्धि वाले दिन इस प्रयोग को नहीं करेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर इस रेमेडी को आप करते हैं तो 100% लाभ की गारंटी मैं लेता हूं। बिल्कुल सात्विक प्रयोग है और बहुत ही चमत्कारी है, टेस्टेड प्रयोग है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको ये प्रयोग मैंने दिए हैं और फीडबैक 95% तक पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप भी इस प्रयोग को करिए, पूरे विश्वास के साथ में करिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ सब लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, शेयर करने में कोई आपका खर्चा तो लगना नहीं है, घर बैठे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। जितने लोगों को जानकारी भेजेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे। मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, आप इसे और आगे फॉरवर्ड करिए और आगे लोगों तक पहुंचाइए, है ना। तो शेयर जरूर करें, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।